स्वागत है। आज हम आपको बताने विज्ञान यानी क्लास 11th का फाइनल ऑब्जेक्टिव जारी कर दिया गया है दोस्तों, तो आप देख लीजिए क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आने वाले हैं। तो अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपके 20 के 20 ऑब्जेक्टिव करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है साइनोबैक्टीरिया कहाँ होता है, तो साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल को कहते हैं दोस्तों। युगलिना के चलन अंग होते हैं तो फ्लैजिला होता है, यहाँ पर याद रखिएगा। कवक एवं शैवाल के मध्य संयोजी कड़ी कौन सी होती है, तो लाइकेन होती है दोस्तों। संयोजी कड़ी कौन होती है, तो लाइकेन होती है। कैनाल तंत्र पाया जाता है पोरीफेरा में, किसमें पाया जाता है, पोरीफेरा में। वृक्ष में श्वसन अंग होता है बुक लंग्स, याद रखिएगा ये पांचों ऑब्जेक्टिव है दोस्तों आपके। पहले ध्यान से सुनिएगा, साइनोबैक्टीरिया में नील हरित शैवाल को कहते हैं, युगलिना में फ्लैजिला होता है, कवक एवं शैवाल के मध्य संयोजी कड़ी लाइकेन होती है, कैनाल तंत्र दोस्तों पोरीफेरम पाया जाता है, वृक्ष श्वसन में कौन सा अंग होता है, तो बुक लंग्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं, तो तुलसी में डैश डैश पुष्पक्रम का पाया जाता है दोस्तों, तो कूट चक्रीय पुष्पक्रम पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा कूट चक्रीय पुष्पक्रम पाया जाता है। हरे शैवालों में संग्रहित पदार्थ डैश डैश होते हैं, तो स्टार्च संग्रहित होते हैं, ध्यान दीजिएगा हरे शैवालों में संग्रहित पदार्थ स्टार्च होते हैं। वृक्षों की आयु का अध्ययन किस क्या कहलाता है, तो डेंटोरोलॉजी, क्या कहलाता है, डेंटोरोलॉजी कहलाता है दोस्तों। हेवरसिन नलिकाएं डैश डैश में पाई जाती हैं, तो अस्थियों में पाई जाती है दोस्तों। जो हेवरसिन नलिकाएं हैं कहाँ पर पाई जाती हैं, अस्थियों में पाई जाती है, यानी हमारी हड्डियों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अस्थि और उपास्थि को जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, तो कांड्रा ऊतक कहलाता है, कौन सा कहलाता है, कांड्रा ऊतक कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं सही जोड़ी प्रश्न की दोस्तों, तो सही जोड़ी मैंने यहाँ पर आपने सामने लिख दी, लेकिन आपके जो पेपर में है आपको ऊपर नीचे लिखी रहेगी, तो ध्यान दीजिएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक होता है। रेवेनियर नोड दोस्तों तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है, दूसरा नंबर रहेगा। बंद परिवहन तंत्र केचुए में पाया जाता है। फ्लेनेरिया दोस्तों प्लेटी हेलमिंथिस समूह का ये मतलब की एक उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। पालिप्स एवं मेड्यूजा ये सिलेंट्रेटा में पाए जाते हैं। इस तरह से आपके पांचों जो तो सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाए दोस्तों। अब मैं बात कर लूँ एक शब्द के लिए, तो एक शब्द के लिए आपको स्वयं से कंफर्म करना होगा दोस्तों। मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके दोस्तों, तो आप इसको भी देख लीजिएगा एक बार। ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप इनको नहीं पढ़े तो एक बार देख के जाएंगे तब भी आप बड़ी आसानी से इनको कंप्लीट कर पाएंगे। देख सकते हैं पहला प्रश्न है, हेटरोसिस से क्या आशय है, हृदय पेशी की संरचना को समझाइए, आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए, कीटबर्ग के दो लक्षण लिखिए, चमगादड़ को जंतु जगत में क्यों रखा गया है, कोलेजन के कार्य को लिखिए, विषम जालिकता किसे कहते हैं, मेढक को एम्फीबिया वर्ग में क्यों रखा गया है, ज्वाला कोशिकाओं के कार्य बताइए, स्तनधारी वर्ग के लक्षण लिखिए, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में अंतर को बताना है आपको दोस्तों, ससिमाक्षी और असिमाक्षी में अंतर बताइए, टेडियोफाइटा पर टिप्पणी लिखिए, केचुए की आहार नाल पर वर्णन कीजिएगा, यानी एक छोटा सा वर्णन करना है यहाँ पर संक्षिप्त रूप से, मास एवं फर्म में अंतर को बताइए, और अनावृत बीजी पौधों के लक्षण बताइए दोस्तों। ये जो 16 मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जेई नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। आपसे इसमें 16 में से आपको 10 प्रश्न 100% आने वाले हैं, तो आपको कम से कम इन प्रश्नों को एक बार देख जरूर लीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलती रहे दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।